एंड अ वेरी हैप्पी संडे. संडे होता है बहुत ही एक इंतजार किया हुआ दिन जो हम पूरे 6 दिन के बाद वेट करते हैं कि आज संडे आए कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा. पहले छुट्टी हुआ करती थी, सारे दिन इंस्टीट्यूशंस खुले होते थे, बट अभी कोरोना के टाइम पे हम लोगों को पता नहीं चल रहा क्या संडे है क्या मंडे. बट अगेन इट इज़ अ डिस्गाइज में ब्लेसिंग आप सभी के लिए, क्योंकि हमें पता है इसकी जैसे नीट पोस्टपोन हो गया है उतना ही ज़्यादा टाइम मिल रहा है. अच्छा, बच्चों में दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो भी हमारे साथ इंटरेक्शन होता है, जो हमें मेल मिलती है, दे आर फेड अप. डोंट बी फेड अप. ये सोचिए कि आपको कितना ज़्यादा टाइम मिल गया रिवाइज करने के लिए, आपको कितना अच्छा मोमेंटम गेन करने के लिए चीज़ें मिल गई हैं. कहाँ मई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मोर देन 4 मंथ्स, राइट? 4 मंथ्स के आसपास आपको टाइम मिल गया था. तो इस टाइम ये जो गाड़ी है जो एक स्पीड में चल रही है ना, इसको ब्रेक नहीं लगाएंगे, इसको कंटिन्यू करते रहिए ताकि नीट का आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टपोन होने का बेनिफिट मिल सके. इस समय जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज के प्रिवेंटिव मेजर्स, जो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर रिमीडियल मेजर्स. ठीक है, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसमें, लगभग 5 के आसपास, वो हम वन बाय वन कवर करेंगे. उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हैं आप? प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए. साथ ही जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का कोई भी डाउट है, प्लीज लेट अस नो, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प. तो चलिए हम बात करते हैं ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज की. ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज जो है होता क्यों है? एक यंग एज होती है, एक टीन एज होती है, राइट? जब आप टीन एजर बनते हैं, 13 से स्टार्ट होती है. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, क्यूरियोसिटी होती है दिमाग में कि कैसे होती हैं चीज़ें, क्यों होती हैं चीज़ें. एंड थैंक्स टू बॉलीवुड एंड ऑल दी अदर मूवी इंडस्ट्रीज, हम लोगों को बहुत ही बचपन से देखने की आदत होती है, पीपल आर ड्रिंकिंग, पीपल आर स्मोकिंग, पीपल आर इवन डूइंग ड्रग्स, और उन चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जाता है. अगर मैं मेडिकल स्टूडेंट्स की मूवीज़ की बात करूँ, लास्ट ईयर जो कबीर सिंह आई थी, दैट वॉज सच अ टॉक्सिक मूवी, बट अगेन उस कैरेक्टर को ग्लोरीफाई कर दिया गया. ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता है, और होता भी है तो नहीं होना चाहिए. दैट इज रॉन्ग. दैट टॉक्सिक पर्सनैलिटी, दैट टॉक्सिक कैरेक्टर इज रॉन्ग. डोंट बी दैट काइंड ऑफ अ डॉक्टर. उस तरीके के डॉक्टर मत बनिए, उससे इन्फ्लुएंस मत होइए. अपने आप को इतना स्ट्रांग करिए, आपकी जो विल पावर है वो इतनी स्ट्रांग करिए कि आपको इन सब चीज़ों की जरूरत ही ना पड़े. अच्छा, तो अगर हम जैसे बात कर रहे थे अब्यूज की, अब्यूज क्या है? बहुत सारी कंट्रीज में आपने देखा होगा कि लोग आमतौर पे ड्रिंक करते हैं. कई कई जगहें बहुत ठंडी हैं तो वहाँ पे अल्कोहल थोड़ा बहुत रिकमेंड भी किया जाता है. इवन अगर आप मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की बात करें, रेड वाइन इज सपोजिटली गुड फॉर हार्ट, लेकिन हर चीज़ एक पर्टिकुलर मात्रा में. अगर हम अब्यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को, यानी कि हम जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा मात्रा में उसको कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे आपका कोई भी चीज़ हो, आपके मतलब कोई भी शौक हो या खाने की चीज़ हो, कोई भी हो, तो यहाँ पे ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ किया जा रहा है. जब टीन एज में होते हैं तब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, उन क्वेश्चंस के अगर सही आंसर्स नहीं मिलते हैं देन मन भटकता है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये ध्यान रखा जाए कि जैसे जैसे एडोलेसेंस आता है, ठीक है, उस टाइम में जो आपकी टीन एज के बाद लेकिन एडल्ट होने से पहले की स्टेज है, उसमें थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ता है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना पड़ता है, विल पावर डेवलप करनी पड़ती है. अगर मैं बात करूँ आजकल के बच्चों की, आजकल के बच्चे हो गए सुपर फास्ट, आप लोग भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं चीज़ें, नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा मोटो है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. हमेशा कोई भी चीज़ हो, बी इट एनी डिजीज, बी इट एनी कंडीशन, अगर आप अपने आप को प्रिवेंट कर लेते हैं वो क्योर से बेटर है. कोरोना वायरस से अगर हम प्रिवेंट कर रहे हैं अपने आप को, तो दैट इज़ बेटर. जो क्योर है इसका, अभी तो हमें क्योर भी नहीं पता है,
राइट. सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. और कई साल पहले मैंने एक जगह इसका एक मॉडिफाइड वर्जन पढ़ा था विच इज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. राइट. जितने भी प्रिकॉशनरी यानी कि ऐसी चीजें जो कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बाइक आप ड्राइव कर रहे हैं, प्रिकॉशन क्या है, हेलमेट पहन के ड्राइव करें. राइट. तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं जो कुछ होने से, जो कोई मिसहैप होने से प्रिवेंट करती हैं, वो कहलाती हैं आपकी प्रिकॉशनरी चीजें. और वही है प्रिवेंशन का सोर्स, आपको अपने आप को इन चीजों से बचाना है. राइट. तो आज सबसे पहले तो ये समझ लें कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है. जो अब्यूज है, ड्रग एल्कोहल अब्यूज, इसमें एक तो वो खुद एक इंडिविजुअल है, उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, टीचर को, फ्रेंड्स को, कलीग्स को, साथ ही साथ मेडिकल हेल्प भी. तो ये एक पूरा सिलसिला है. बट हाँ, देयर आर सर्टेन मेजर्स जो कि लेने चाहिए, जो कि होनी चाहिए. तो वो कौन कौन से हैं वो हम वन बाय वन एक नज़र डाल लेते हैं. इन जनरल हैं, कॉमन सेंस की बातें हैं, बट स्टिल आप पढ़िए, जानिए, एंड एट योर एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको इनकलकेट करें, आप इनको फॉलो करें. तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर. मूवीज में देखा होगा आपने, अरे एक बार सिगरेट स्मोक कर ले, एक बार से क्या फर्क पड़ता है, एक बार ड्रिंक कर ले. इवन आपके फ्रेंड्स, आई एम प्रीटी श्योर, वो लोग भी बातें करते होंगे कि यार एक ही तो सुट्टा है. राइट. एक ही तो है, एक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. यही एक से आगे 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 बढ़ता जाता है. इसके अलावा हर एक की अपनी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी होती है. कोई इंट्रोवर्ट होता है यानी कि ज़्यादा बात नहीं करता, थोड़ा सा शाय होता है, शर्मीला होता है, कॉय होता है, ज़्यादा लोगों में उठना बैठना पसंद नहीं होता. उसको ज़बरदस्ती एक्स्ट्रोवर्ट यानी कि जो आउटगोइंग है वो बनाने की कोशिश मत करिए. हर एक के अपने टैलेंट्स हैं, हर एक की अपनी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं. एंड लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, बुराइयाँ भी कुछ ज़रूरी होती हैं. नोबडी इज़ अ सेंट, कोई भी संत नहीं होता, है ना. तो इसीलिए हर एक की जो पर्सनालिटी है उसको वैसे ही रहने दें. ज़बरदस्ती का प्रेशर ना क्रिएट किया जाए किसी के ऊपर भी कि सबसे बड़ी बात वही शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी के बेटे को 98% आए, तुम्हें बेटा 65 क्यों आए. नहीं, हर एक की पर्सनालिटी है, हर एक की पर्सनालिटी को डेवलप होने दीजिए. अनड्यू अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर. पीयर्स कौन होते हैं? पीयर्स होते हैं आपके कलीग्स, या फिर इवन जो आपके पेरेंट्स भी हैं, कभी कभी वो भी प्रेशराइज करते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको भी ये बताएं कि साथ में बैठ के बात करना ज़रूरी है. आप उन तक अगर अपनी प्रॉब्लम सही से रखेंगे रादर देन चिल्लाने से, तमाशा क्रिएट करने से, तो वो भी समझने की कोशिश करेंगे. तो बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो खुल के बोलें, उनको बताएं, अपने टैलेंट्स को भी या फिर जो आपकी जो भी पर्सनैलिटी है उसको थोड़ा सा बेटर करें. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. राइट. चेंजेस से घबराएं ना, चेंजेस से घबराना नहीं है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूरी एक होड़ चल रही है उसमें शामिल हो जाए. कोई भी प्रेशर हो, कोई भी आप फील करें कि आपको ये नीचे खींच रहा है, सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करिए. एंड दैट इज मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सेकेंड पॉइंट जो है वो है आपका एजुकेशन एंड काउंसलिंग. हालांकि इंडिया में ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बट बाहर की कंट्रीज में बहुत देखा गया है. अगर वो जरा सा भी रियलाइज करते हैं कि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनके स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं जो कि वो बच्चों से बात करते हैं, उनको समझाते हैं, उनकी प्रॉब्लम पूछते हैं. एजुकेशन से मतलब है कि जो हम अभी कर रहे हैं, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये एक तरीके से एजुकेशन है. राइट. इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा एक गुस्सा होता है बहुत सारे लोगों में, उसको प्रॉपरली चैनलाइज करिए. स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, डांस में, योगा में, मेडिटेशन में, गेम्स में, जिसमें भी हो, चैनलाइज दैट एनर्जी, चैनलाइज दैट एंगर, ताकि आपको कोई ऐसे कभी कभी होते हैं ना लोग जो बहुत हाइपर होते हैं, उनके लिए बहुत मस्त है. काउंसलिंग करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कोई काउंसलिंग करवाने जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार है. ही नीड्स हेल्प.
इम्पॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ एनी थिंग. आपके लिए कुछ भी करना हो तो उसमें हेल्प चाहिए. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों से खुल के बात करें. सेम गोज फॉर टीचर्स ऑल्सो. टीचर्स को भी ये समझना होगा कि अब के जो बच्चे हैं उनके साथ एक फ्रेंडली हाँ डिसिप्लिनरी बिहेवियर ज़रूरी है. पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, नर्चरेंस भी चाहिए, यानी कि प्यार भी चाहिए, लाड़ भी चाहिए, लेकिन उसके साथ डिसिप्लिन भी चाहिए. सिर्फ लाड़ प्यार करने से बच्चे बिगड़ते हैं और कुछ नहीं होता. एंड कहीं ना कहीं एक फैमिली में अगर डिसिप्लिन होता है तो वही फैमिली एक सही इन्वायरमेंट इनकलकेट कर पाती है ग्रोथ के लिए, एक इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए. सो हैंस एजुकेशन एंड काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन एंड काउंसलिंग से मतलब हमेशा याद रखिए कि पढ़ाई तो है ही, साथ ही साथ आप इतने स्ट्रांग बन जाएंगे कि आपको ऐसे ये जो ये ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज जैसी चीज़ें हैं इनका कुछ भी लेना देना ही ना हो. ये दो जो पॉइंट्स हैं ये आपसे भी रिलेटेड है और आपके पेरेंट्स से भी रिलेटेड है, राइट. थर्ड पॉइंट जिसकी हम बात करने वाले हैं ये तो है ही आपके पेरेंट्स और टीचर्स के लिए, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स. जो भी प्रॉब्लम है जैसे मैंने पहले भी कहा, पेरेंट्स से खुल के बात करिए, उनको अपना दोस्त समझिए. एंड पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं ये फर्ज है कि वो अपने चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व करें अपनी लाइफ में भी और उनकी भी लाइफ समझें. वॉट दे आर गोइंग टू, वॉट थिंग्स दे हैव इन माइंड, क्या प्लान है उनके. और अगर कोई प्लान नहीं है, जैसे जनरली हम लोग छोटे होते तो एक क्वेश्चन होता है बड़े होके क्या बनना है. कभी कभार बच्चे कह देते हैं कि पता नहीं, क्यों पता नहीं, इस पर नहीं डांटना है. उनको ऑल्टरनेटिव्स दीजिए, ऑप्शंस दीजिए, समझाइए. देखिए बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ती है एंड दैट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस क्योंकि अल्टीमेटली आप ही के बच्चे हैं. तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको घुमाने ले जाएं, आप उनको रेस्टोरेंट्स में ले जाएं, मूवीज ले जाएं. क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मतलब है कि आप उनके साथ बैठें, उनकी जो माइंडसेट है, उनकी जो मन में जो प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो वो डिस्कस करना चाहते हैं उसको समझें, उनके साथ इंटरैक्ट करके घर पे बैठ के भी आराम से क्वालिटी टाइम जो एक मिथ्या बना दिया है वो स्पेंड करा जा सकता है. ज़रूरी नहीं है उसके लिए कहीं बाहर जाना, राइट. सो पेरेंट्स के लिए, इवन टीचर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने स्टूडेंट्स को समझना शुरू करें. अगर कोई चीज़ ऐसी नहीं हो रही है जो वो चाहते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो बच्चा क्यों नहीं कर रहा है. प्रेशर जहाँ बच्चे पे आना शुरू हुआ ही विल मूव टू दिस. ऑलवेज रिमेम्बर बच्चे को कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो ड्रग और एल्कोहल के आसपास लेके जाएगा. सो क्लोज दैट डोर, ओपन योर डोर. वो दरवाज़ा बंद करें, अपना दरवाज़ा खोलें बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ जुड़ें. ये तीन पॉइंट जो हैं ये आपके बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. आई एम प्रिटी श्योर कि इसमें से काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपने बच्चों के साथ बात करते हैं बट एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा उनकी लाइफ में, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा. उन्हें समझाइए व्हाट इज़ लाइफ, उनको समझाइए व्हाट इज़ हैपनिंग. इसके साथ ही साथ जितनी हो सके हेल्प करिए, उनको बताइए कि जो लाइफ है उसमें फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट ये पार्ट एंड पार्सल है. यही चीज़ एजुकेशन में है. फेलियर्स मिलेंगे आपको, कंपटीशन मिलेगा आपको, आपको कई बार आप बहुत मेहनत करेंगे तब भी आप हार जाएंगे. छोड़े मूवी बिग एग्जांपल, वो लोग पूरी कोशिश करते हैं, हर चीज़ करते हैं लेकिन एट दी एंड वो हारते हैं बट स्टिल दे आर चैम्पियंस बिकॉज दे ट्राइड. तो उनको ये समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए कि जो नहीं हो पा रहा है उसके लिए सैड ना हो. एक कहावत है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा, यानी कि देन योर डेस्टिनी इज राइटिंग समथिंग ब्यूटिफुल. तो इसीलिए कोशिश करिए कि उनको समझाइए डिसअपॉइंटमेंट्स, फेलियर्स ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है एंड इट्स ओके. कोई भागदौड़ नहीं है, इट्स ओके इफ यू टेक अ लिटिल व्हाइल, इट्स ओके. ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं अपने बच्चों के साथ या इवन जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ
खुल के बात करना सीखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो है पेरेंट्स एंड टीचर्स के लिए, अगेन लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। अगर कोई अल्कोहल यूज कर रहा है, अगर कोई स्मोक कर रहा है, अगर कोई ड्रग्स यूज कर रहा है, देयर आर सर्टेन साइंस एंड सिम्टम्स, और ये टीचर्स एंड पेरेंट्स की एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई एडिक्ट हो जाता है तो आप उसके हाथ शेक करते देख सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग ऑल्सो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये टीचर्स को देखनी है, ये पेरेंट्स को देखनी है। ये इस तरीके से होनी चाहिए कि हम लोगों को समझ में आ सके कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। जो गड़बड़ हो भी रही है उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि हम लोग एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, बच्चों के साथ भावनात्मक तरीके से जुड़े, इमोशनली भी हूँ। वी आर इन द क्लास, वी आर टॉकिंग टू देम, वी आर एट होम, वी आर स्पीकिंग टू देम, वी आर स्पेंडिंग टाइम विद देम, लेकिन क्या बच्चों के साथ इमोशनली अटैच्ड हैं? क्या बच्चा खुल के अपनी सारी बातें आपसे कह सकता है? क्या बच्चों की लाइफ में आप उतना इन्वॉल्व हैं दैट ही फील्स यू एज हिज ओन फ्रेंड? साथ ही साथ बच्चों के फ्रेंड से भी एक मेरी एक तरीके से एडवाइस तो है ही, साथ ही साथ गुजारिश है कि आप अगर अपने फ्रेंड को गलत संगत में पड़ता देखते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने टीचर्स या उसके पेरेंट्स को बताएं। ये आपके फ्रेंड के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज द मोमेंट चीज़ें डाउन जाना स्टार्ट होंगी ही विल नॉट बी एबल टू कम बैक। इट्स बेटर कि जिस स्टेज पे भी आपको पता चले, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत संगत है जिसके साथ आपका फ्रेंड बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, या आप उसको स्मोक करते हुए या ड्रिंक करते हुए देखते हैं, इन्फॉर्म हिज और हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को बताइए, उसके जो भी वेल विशर्स हैं उनको बताइए। क्योंकि अगर आज आपने ये एक स्टेप ले लिया, देन हाउएवर जो आगे फ्यूचर होने वाला है उसमें आप उसके वेल विशर होंगे, रियल वेल विशर। एंड अगर आप उसको दिल से अपना सच्चा दोस्त, सच्चा फ्रेंड, सच्चा पर्सन, ऐसा एज अ जेन्युइन फ्रेंड मानते हैं, तो प्लीज़ गो हेड एंड डू इट, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हम, जो चाहे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, जो भी हम देखें कि हमारा कोई ऐसा बंदा है जो जेन्युइनली अच्छा है बट किसी गलत राह पे चला गया है, उसको वापस लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, उसके साथ वापस से अच्छी चीज़ें करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आपको पता है अफ्रीका में ट्राइब्स होती हैं, उन ट्राइब्स में अगर कोई गलत काम करता है तो वो उसको सोसाइटी से बैनिश नहीं कर देते, वो उसको बीच में खड़ा करते हैं, उसके आसपास गोला बनाते हैं, बहुत बड़ा सा सर्कल फॉर्म करते हैं, एंड उसके बारे में जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो बोलते हैं, ताकि ही रियलाइजेस दैट ही इज़ अ नाइस पर्सन, ही इज़ नॉट बैड, ही इज़ नॉट दैट रिबेल विदाउट अ कॉज, ठीक है। तो वो रियलाइज करता है, अल्टीमेटली अच्छाई जीतती ही है। ये हमने अपने पुरानों से सीखा है, बहुत सारी स्टोरीज से सीखा है, अच्छाई की जीत हमेशा होती है। तो इसी अच्छाई पे चलिए, इसी सच्चाई पे चलिए। इसी के साथ अब हम बात करेंगे अपने लास्ट पॉइंट की, विच इज सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। अगर आप एक ऐसे पर्सन है हु इज गोइंग थ्रू ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, या फिर कुछ गलत काम किया है, स्मोक बहुत करते हैं, यू वॉन्ट टू क्विट, टेक प्रोफेशनल एंड पर्सनल हेल्प, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, डी एडिक्शन सेंटर्स, बहुत सारी तरीके भी हैं, तकनीकें भी हैं। स्मोकिंग के लिए निकोटिन पैचेस आते हैं, निकोटिन च्युइंगम्स आती हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, इनको यूज़ करिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। सिर्फ घर पे बैठ के हाँ हो जाएगा कल से क्विट करूँगा, कल से क्विट करूँगा, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक चीज़ मैं एज अ पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी बाकी की सोसाइटी को देना चाहूँगी कि अगर कोई कोशिश कर रहा है अपनी किसी सिचुएशन से बाहर आने की, अगर कोई एडिक्ट था लेकिन वो कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि वो उस चीज़ से बाहर निकल सके, हेल्प है, उसका मजाक ना उड़ाएं,
उसके बारे में फालतू के रूमर्स गॉसिप्स ना उड़ाएं. हेल्प हिम बिकॉज ही इज अ पर्सन फ्रॉम योर ओन सोसाइटी, ही रिप्रेजेंट्स योर सोसाइटी. तो अगर आप चाहते हैं कि वो एक अच्छी चीज हो सके तो हेल्प हिम, राइट. ये पांच जो पॉइंट्स हैं, अगर ये अच्छे तरीके से हम लोग अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं, देन शायद कहीं ना कहीं जो ये रिहैब सेंटर्स होते हैं या फिर डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, इनकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इफ़ पीपल आर एबल टू फॉलो दीज फाइव पॉइंट्स. कोशिश करिए, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, सभी से गुजारिश है कि मिल के साथ अगर कोशिश करेंगे हम लोग, तो ये जो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ वाला टॉपिक है हमारे चैप्टर से डिलीट ही हो जाएगा, राइट. एंड एज फार एज नीट इज कंसर्न, हम लोगों ने ये टॉपिक कवर किया है. एक बार इसको एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे, आपके दिमाग में और क्लियर हो जाएगा. एज आई से, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उतने ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वो करेंगे. साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट. इसके अलावा और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, बी इट 11th, बी 12th, फ्री होके हमसे बातें करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छा हो. और अगर आप सोचते हैं कि इस वीडियो से शायद किसी की हेल्प हो जाए, प्लीज़ उन्हें शेयर करिएगा. नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कोई और टॉपिक लेके आएंगे. टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर एंड हैप्पी संडे.